हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सिंह में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एजूर के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन को कैप्चर कैसे करते हैं और उससे एक नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्चुअल मशीन आज के वीडियो में हम करेंगे कि हम एक वर्चुअल मशीन के अंदर जो डिस्क लगी होती है हमारी, उसका स्नैपशॉट कैसे ले सकते हैं और उसी डिस्क को हम दूसरे वर्चुअल मशीन पर कैसे यूज कर सकते हैं विद डाटा बैकअप के। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दो वर्चुअल मशीन बनाई हुई हैं ऑलरेडी अपने एजूर अकाउंट के अंदर। ठीक है, दोनों विंडोज वर्चुअल मशीन है, स्टडी वन स्टडी टू। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, डिस्क स्नैपशॉट का हमारा जो काम है वो हम लेंगे डिस्क स्नैपशॉट। तो डिस्क स्नैपशॉट क्या करता है, स्नैपशॉट इज ए फुल रीड ओनली कॉपी ऑफ वर्चुअल हार्ड ड्राइव, मतलब जो हमारी एक्चुअल हार्ड डिस्क होती है उसकी फुल एक रीड ओनली कॉपी होती है। ठीक है, उसके बाद यू कैन टेक ए स्नैपशॉट ऑफ ओएस डिस्क और डाटा डिस्क। हम ओएस डिस्क का भी स्नैपशॉट ले सकते हैं और डाटा डिस्क का भी ले सकते हैं, ओएस डिस्क से भी हम रिस्टोर कर सकते हैं और डाटा डिस्क से भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दिस कुड बी फॉर बैकअप पर्पज़ और टू ट्रबल शूट द वर्चुअल मशीन इशूज। ठीक है, तो बैकअप पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम ये स्नैपशॉट ऑप्शन और ट्रबल शूटिंग के लिए भी वर्चुअल मशीन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं अपने स्टडी वन पर चलते हैं, मैं इसका रिमोट लेता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, मेरी वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई है, तब तक क्या करते हैं हम दूसरे वाली वर्चुअल मशीन को और एक्सेस कर लेते हैं, स्टडी 02 को। स्टडी 02 का पब्लिक आईपी लेता हूँ और इसको एक्सेस करता हूँ मैं आरडीपी के थ्रू, यूजर नेम पासवर्ड। यस, इसके बाद देखो दोनों वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हो रही है, मतलब क्रिएट हो गई है, प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं हम, आपकी वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई है। तो हम क्या करेंगे, मैं एक नई डिस्क ऐड करूंगा, मैं अगर हम चाहें तो इस डिस्क का भी बैकअप ले सकते हैं, सी ड्राइव का भी, बट मैं आपको डेमो के लिए भी डी ड्राइव एक अलग से मैं डिस्क अटैच करूंगा, उसको हम इसके साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, और उस डिस्क का स्नैपशॉट लेके और उस डिस्क को मैं अपनी दूसरे वाले सर्वर के साथ अटैच करूंगा यहाँ पे, और देखते हैं कि वो डाटा जो हमारा वहाँ पे है वो एग्जैक्ट यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही डिस्क दिखा रहा है टेम्प्रेरी, एक आपकी जो ओ एस डिस्क है और एक टेम्प्रेरी डिस्क जो बाई डिफ़ॉल्ट अटैच होती है, और कोई डिस्क नहीं है। ठीक है, तो दोनों मैंने दोनों वर्चुअल मशीन मैंने एक सेम रीजन के अंदर बनाई है, सेम रिसोर्स ग्रुप में बनाई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिस्क बना लेता हूँ मैं, मान लो डिस्क 02 के स्टडी 02 वीएम के साथ ही बनाता हूँ मैं। डिस्क में जाता हूँ, यहाँ पे ऐड डाटा डिस्क करते हैं, लन 0 रहने देते हैं, डिस्क हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, डिस्क क्रिएट डिस्क, डिस्क का नाम देते देते हैं बैकअप, बैकअप या स्नैपशॉट आप कुछ भी दे दो, जो भी देना आपको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। डेमो रिसोर्स ग्रुप ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर कोई क्रिएटेड होगा तो। ठीक है, तो मैं यहीं पे डेमो करता हूँ जो मेरा डिफॉल्ट है, जिसके अंदर हमारी वर्चुअल मशीन है। लोकेशन ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगी, सोर्स टाइप आपका नन रहेगा, साइज में आपको कितने जीबी की लेनी है और साइज स्टोरेज टाइप क्या रखना है, तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हो। चेंज पे क्लिक करने के बाद हम पहले स्टोरेज टाइप चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड HDD ले लेते हैं, और उसके बाद हार्ड डिस्क, इसमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड HDD में आपको साइज मिनिमम 32 GB है और मैक्सिमम आपको 32,768 GB है, 767 GB, और स्टैंडर्ड SSD में जाओगे तो आपको इनमें अलग साइज मिलेंगे दोनों में,
मिनिमम 4 GB से स्टार्ट आएंगे। प्रीमियम SSD, प्रीमियम में जाओगे वहाँ पे भी आपको वो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लेता हूँ। साइज़ हम ले लेते हैं यहाँ पे 16 GB, 32 GB दिया, और इसमें मैं 10 GB ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ, ठीक है, आपको जो भी साइज़ लेना, अगर मान लो यहाँ पे जो साइज़ नहीं दे रखे और आपको कस्टम लेना है, तो आप यहाँ पे डाल दो, जो भी आपको लेना है वो साइज़ आपको ले लेगा। ओके करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ही वर्चुअल मशीन आपका क्रिएट हो जाएगा, अभी हमने Study02 पे चलते हैं एक बार। इसके हम मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, तो एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे डिस्क आया कि नहीं आया अभी कोई। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है हमें डिस्क मैनेजमेंट के अंदर। डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं तो आप देखोगे अभी यहाँ पे कोई डिस्क नहीं है आपका। एक सी ड्राइव है और एक टेम्परेरी डिस्क जो अटैच होती है 8 GB वो है। तो इसके बाद क्या करते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे डिस्क बन के तैयार हो गया है, बट अभी ये अटैच नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको शेव कर देते हैं। तो अभी अपडेटिंग हो रही है वर्चुअल मशीन, जैसे ये सेव हो जाएगा तो आपका डिस्क ये यहाँ पे ऑटोमेटिक Study02 पे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वहाँ पे सेटिंग सेव हुई और यहाँ पे आपका 10 GB का पार्टीशन, एक डिस्क ऐड हो गई है 10 GB की। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसको ऑनलाइन करना होगा। इनिशियलाइज करते हैं डिस्क को पहले MBR में, GPT में, जो भी करना आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। मैं MBR में लेके ओके करता हूँ। इसके बाद आप इसका पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ इसका डिफॉल्ट का। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने, फॉर्मेट करते हैं इसको, नेक्स्ट, क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क बन गया, पार्टीशन यहाँ पे डिस्क ऐड हो गई है 10 GB की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ फाइलें क्रिएट कर देता हूँ। टेस्ट फाइल, एक फोल्डर बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक फाइल बना दे रहा हूँ नोटपैड की, डेमो टेस्टिंग फॉर स्नैपशॉट, टेस्टिंग फॉर डिस्क स्नैपशॉट। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब क्या करना है हमें, इसका स्नैपशॉट लेना है। तो स्नैपशॉट लेते कैसे, उसके लिए हम चलते हैं अपने एजूर कंसोल पे। ठीक है, एजूर कंसोल पे जाते हैं। अब हमें कौन से वाले डिस्क का पहले, उसके बाद हम वर्चुअल मशीन में आते हैं जिसके अंदर हमारी डिस्क एडिड है। ठीक है, जो हमारे, जैसे हमने अभी Study02 पे ऐड किया है डिस्क को, तो Study02 VM पे आएंगे हम। उसके बाद हम आते हैं डिस्क के अंदर। डिस्क में आने के बाद जो डिस्क हमने यहाँ पे ली हुई है, जो भी डिस्क है हमारी है, उसके नाम पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो यहाँ पे ये बैकअप आ रहा है, तो हम उसके नाम पे क्लिक करते हैं। नाम पे क्लिक करने के बाद देखना आपको स्नैपशॉट आ, देखिए यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बैक करता हूँ इसको एक बार दोबारा, डिस्क में देखते हैं, और अगर हम OS डिस्क पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। फुल लेना है, इंक्रीमेंटल लेना है, वो आप पे डिपेंड है। तो मैं आपको अभी डी ड्राइव वाले के दिखाता हूँ। हम बैकअप वाली डिस्क को नाम सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं। ठीक है, क्रिएट स्नैपशॉट में आपका रिसोर्स ग्रुप ये ऑटोमेटिक वही लेगा। नाम आपको क्या डालना है, डिस्क स्नैपशॉट। ठीक है, डिस्क स्नैपशॉट नाम लिया मैंने। अब आपको कौन सा बैकअप लेना है इसका, स्नैपशॉट टाइप कौन सा लेना है, फुल लेना है तो पूरे उसकी रीड ओनली कॉपी बना देगा, इंक्रीमेंटल लेना है तो जो आपने पहले बैकअप लिया हुआ है और उसके बाद जो दोबारा बैकअप ले रहे हो वो उसके ऊपर ही उसको ओवरराइट करवा देता है। ठीक है, सिर्फ जो मॉडिफाई होता है वही बैकअप लेता है इंक्रीमेंटल में। तो फुल बैकअप लेना है हमें यहाँ पे। उसके बाद स्टोरेज टाइप, स्टोरेज टाइप क्या लेना है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जोन रेडेंडेंट क्या होता है, वो आपका मल्टीपल जोन के अंदर आपकी इस बैकअप स्नैपशॉट को कॉपी करके रखेगा, कि अगर एक जोन से डिलीट हो जाता है तो आप दूसरे वाले जोन से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल्स में पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। इनक्रिप्शन हमें नहीं करना है, नेक्स्ट करता हूँ। टैग हमें नहीं डालना कुछ, नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं इसको हम। तो ये हमारा जो हमारी डी ड्राइव थी उसका स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता ये। ठीक
वो आपके डिपेंड होता है आपके डिस्क साइज में, कि आपके डिस्क का, आपके वर्चुअल मशीन का साइज क्या है, वर्चुअल मशीन की प्रोसेसिंग क्या है, तो वो एवरीथिंग डिपेंड ऑन दैट। सो आपका डिस्क स्नैपशॉट ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है हमें, यहाँ गो टू रिसोर्स पे जाते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने जिस डिस्क का स्नैपशॉट लिया है वहाँ पे उसकी सारी डिटेल दिखा देगा आपको। 10 GB का डिस्क आपका, डेमो ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप आपका, बैकअप वाली डिस्क थी जिसका हमने स्नैपशॉट लिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखा देगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है इस डिस्क को दूसरी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना है। तो हम एक बार क्या करते हैं, Study01 पे जाते हैं, Study01 VM में आते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं आपको अभी कोई डिस्क नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में भी चला जाता हूँ एक बार दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं, देखिएगा डिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद भी आपको कोई डिस्क नहीं दिखा रहा, आपको सी ड्राइव और एक टेम्परेरी ड्राइव दिखा रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम एजोर कंसोल पे जाते हैं, डिस्क में जाते हैं, डिस्क में नहीं जाते हम, डिस्क में जाके भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Study01 VM के अंदर आते हैं जिसपे हमें अटैच करना है उस बैकअप स्नैपशॉट वाले डिस्क को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क में आता हूँ, डिस्क में आने के बाद यहाँ पे ऐड डाटा डिस्क करता हूँ और यहाँ पे Lun0 रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्रिएट न्यू करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई डिस्क नहीं है। क्रिएट डिस्क करता हूँ मैं, यहाँ पे डिस्क का नाम क्या लेता हूँ, Study02 स्नैपशॉट, कि उस डिस्क का स्नैपशॉट का मुझे यहाँ पे रिस्टोर करना है, नाम वो डाल दिया मैंने अपने उसके लिए। रिसोर्स ग्रुप मेरा सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सोर्स टाइप में, आप ये याद रखने की चीज़ है, सोर्स टाइप में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब जो हमने स्नैपशॉट लिया उससे हमें डिस्क क्रिएट करनी होगी, मैनेज्ड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैपशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे आपके डिस्क स्नैपशॉट का नाम दिखा देगा, बट अगर आपके पास कोई स्नैपशॉट नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा आपको कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपको चेंज साइज करना है, यहाँ से स्टोरेज टाइप चेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम साइज चेंज कर देते हैं, जितना हमने स्पेस दिया था उतना हम यहाँ पे ले लेते हैं, 10 GB, ठीक है। और हम क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्रिएट होने में आपका, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको क्रिएटिंग Study02 स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद हम सेव करेंगे, अभी भी आपको देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको डिस्क का, एक एक्स्ट्रा डिस्क नहीं आ रही है बन के, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार इसको, तो इसको वैलिडेशन हो रहा है अभी, वैलिडेशन होने के बाद देखिए आपका डिस्क सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा और ये सेव हो जाएगा तो आपको देखना आपके Disk 1 के अंदर यहाँ पे आपका एक डिस्क ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपके यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको इसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बैकअप फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पार्टीशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे माई कंप्यूटर के अंदर आने के बाद तो आपका यहाँ पे डिस्क एडिड ऑलरेडी F ड्राइव। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें ओपन करने के बाद देखिए आपको सारे के सारे फोल्डर्स क्रिएटेड दिख रहे हैं जो हमने क्रिएट किए थे वहाँ पे, ठीक है। आपको श्योर करने के लिए आप IP चेक कर लीजिए, यहाँ पे पब्लिक IP आपका ये है इस मशीन का, ठीक है। होस्ट नेम भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको एक बार, Study01 होस्ट नेम है इसका आपका। अब हम चलते हैं दूसरी VM पे, ठीक है। ये आपका इसका IP ये है और इसका होस्ट नेम देखोगे आप Study02 मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम डाटा डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं डाटा डिस्क का, या फिर OS डिस्क का, किसी का भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। और अगर हमें रिस्टोर करना है तो रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले उस स्नैपशॉट को मैनेज डिस्क में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद अगर आप डाटा डिस्क मतलब डाटा डिस्क का आपने स्नैपशॉट लिया तो आप उस मैनेज डिस्क बना के आप उसको ऐड कर सकते हो स्नैपशॉट लेके। उस वैसे ही आप क्या करोगे, जब आपका नाम है क्या VM क्रिएट करते हो, अगर आपने OS डिस्क का स्नैपशॉट लिया VM क्रिएट करते हो तो वहाँ पे भी आपका सेम प्रोसेस रहता है, आपको मैनेज डिस्क क्रिएट करना है पहले, और जब हम डिस्क सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे डिस्क की जगह पे आपको अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क करके वहाँ पे आपको
उस स्नैपशॉट से जो डिस्क क्रिएट की होगी उसको सिलेक्ट करना है आपको, और वहां से आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो इस तरह से आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है गाइज, सो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा ये, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ लर्निंग के लिए मिली है आपको। अगर आपको एक बैकअप, एक सर्वर से बैकअप दूसरे सर्वर पे लेके जाना है तो ईजिली है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है, बस आपके डाटा साइज पे डिपेंड होता है कि डाटा कितना होता है आपका, बट बैकअप पर्पज़ के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका। ठीक है, इसके आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे ले सकते हैं। एज्योर ने बैकअप फीचर प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर ही अपना, कि उसके थ्रू हम बैकअप कैसे लेते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं, ये बैकअप का ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे करते हैं इसके थ्रू। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा सेटिंग करनी होती है, तो आगे के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, एंड लास्ट में वही चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय।